सिडनी में सेमीफाइनल, फिंच के सामने धवन। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी में 26 मार्च को वर्ल्ड कप सेमीफाइनल मैच में दोनों टीमों के लिए उसके सलामी बल्लेबाजों की भूमिका बहुत अहम होगी। इस मुकाबले का पक्ष यह भी है कि एरोन फिंच, डेविड वार्नर और रोहित शर्मा, शिखर धवन में से कौन सी जोड़ी अपनी टीम के लिए बड़ी साझेदारी करने में सफल रहती है। धवन और फिंच दोनों ही आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। फिंच को भारत के खिलाफ खेलने का अच्छा अनुभव है और आईपीएल के कारण वे भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ अच्छा अनुभव रखते हैं। दूसरी तरफ शिखर धवन हैं जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रन बना चुके हैं और मौजूदा वर्ल्ड कप में अच्छे फॉर्म में भी हैं। धवन से भारत को सेमीफाइनल में एक और पारी की उम्मीद है। फिंच अब तक वर्ल्ड कप में एक शतक, एक अर्धशतक लगा चुके हैं, लेकिन पिछले 5 मैचों में वे खास प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। पिछले 5 मैचों में फिंच ने 2, 20, 24, 4 और 14 रन के स्कोर बनाए हैं और वे उस लय में नहीं हैं जिस लय में उन्होंने वर्ल्ड कप में शतक लगाकर शुरुआत की थी। फिंच पिछली नाकामी से उबर कर भारत के खिलाफ सिडनी में बड़ी पारी खेलने की कोशिश करेंगे। भारतीय गेंदबाजों को उन्हें रोकना होगा। धवन फॉर्म में हैं और अब तक वर्ल्ड कप में 2 शतक और 1 अर्धशतक लगा चुके हैं। पिछली 5 पारी में धवन का स्कोर है 30, 4, 100, 9 और 14। धवन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलना पसंद करते हैं और वे सेमीफाइनल में बड़ी पारी खेलकर इसे खुद के लिए यादगार बनाना चाहेंगे।